ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है बापू के दर्शन, उनकी स्मृतियों और समाधि के कुछ पहलुओं पर केंद्रित रूपक हमने गांधी को देखा। आलेख अमित राजपूत, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। तो लीजिए सुनिए रूपक हमने गांधी को देखा। बुतों में नहीं, पैगाम अमन के हर हर्फ में, हकीकत के जर्फ में, युगावतार की तरह हमने गांधी को देखा। घुप प्यालों में नहीं, भोर में झरती पारदर्शी शबनम की तरह, दुनिया की पीड़ाओं में मरहम की तरह हमने गांधी को देखा। महात्मा गांधी जी का पार्थिव शरीर हमारे साथ अब नहीं रहा, पर उन्होंने मरते मरते भी हमें बताया है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, और वह शरीर से नहीं है पर उनकी आत्मा हमारे सब कर्मों और कुकर्मों को देख रही है। आजाद भारत के पहले नागरिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये बातें सुनकर राष्ट्र आवाक हो गया और दुनिया शोक में डूब गई। एक महान विभूति ने इस दुनिया से प्रयाण किया, ऐसे युग पुरुष के दर्शन के लिए मानवता को शायद सदियों तक प्रतीक्षा करनी होगी। जब कोई युग पुरुष दुनिया से विदा लेता है तो उसके युगबोध से दुनिया तृप्त होना चाहती है। इस क्रम में लोग उसके पार्थिव शरीर को एक बार कम से कम निहार जरूर लेना चाहते हैं। आपको बताऊं, जब उनके पार्थिव को ले जाया जा रहा था तो 150 फुट ऊंचे स्मारक और आसपास लगे बिजली के खंभों पर चढ़ के लोगों ने बापू को श्रद्धांजलि दी थी, उनको अंतिम प्रणाम किया था। पत्रकार और विचारक डॉक्टर अरुण पांडे की तरह देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी हमें यही बताया था। Everywhere his death brought more tributes than had been paid at the passing away of any other human being in history. गांधी जी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के नहीं थे। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वो सत्य और अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे बल्कि अनेक देशों में भी आजादी की ललक जगा दे। शुक्रवार 30 जनवरी 1948, महात्मा गांधी ने वे सभी पत्र मांगे जिनका जवाब देना बाकी था। उन्होंने कहा, मुझे आज ही उनके जवाब देने चाहिए, कल की कौन जाने। दिन भर गांधी जी के पास मुलाकातें आते रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातें करते करते उन्होंने 4:30 बजे शाम का खाना खाया। प्रार्थना का समय होता जा रहा था। देर से जाना मुझे जरा भी पसंद नहीं।
यही कहकर गांधी जी प्रार्थना स्थान पर जाने के लिए उठे थे, पर भला किसे पता था कि उस सांझ प्रार्थना की धुन में लीन महात्मा गांधी जीवन भर उनका मार्ग प्रकाशित करने वाले ईश्वर से लौ लगाने चल पड़े हैं। वो चलते रहे जब तक कि उनके कदम रुक न गए। नमस्ते। नमस्ते बापूजी। भाई साहब, बापूजी को प्रार्थना सभा के लिए पहले से ही देर। अरे बापू, इतिहास के पन्नों पर फिर एक बार मानवता की मुक्ति के लिए एक शहीद का खून बहा। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी 96 वर्षीय कृष्णदेव मदान बताते हैं, मैं वहाँ पे इसलिए मौजूद था कि मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से हर शाम उनके व्याख्यान होता है उसको रिकॉर्ड करके, और वही व्याख्यान 8:30 शाम के ब्रॉडकास्ट हो जाया करता था। ये तो वजह थी मेरी वहाँ रहने की। मैं होऊंगा कोई 23-24 वर्ष का। जब गोली चली, 3 गोलियां चली, पहली गोली चली तो मैंने सोचा कुछ होगा ऐसे ही, जब दूसरी चली तो फिर मुझे ध्यान से एक, क्योंकि मैं तो अपना एक तो देखा करता था कितने बजे आ रहे हैं, दूसरा माइक्रोफोन वगैरह भी ध्यान में रखता था, तो माइक्रोफोन को देख रहा था मैं उस समय कि ठीक चले। वो उन्होंने गोली चला के अपने आप को सरेंडर कर दिया, कोई रेजिस्टेंस नहीं किया किसी किस्म का भी, इमीडिएटली गेव देम द लव। गांधी जी को बस गोली पड़ी तो वो एकदम से गिर गए। तो दो लड़कियां थी उनके जिनके सहारे वो आया करते थे, पहले वो गिरी, फिर गांधी जी गिरे तो उनके ऊपर गिर गए, फिर उसके बाद उठा के किसी ने, वो तो आज तक पता नहीं चला कौन सज्जन थे, लेकिन एक कोई काफी उम्र के सज्जन थे, बाल भी उनके सफेद थे, वो उनको उठा के ले गए थे उनके क्वार्टर में, वहां से अपने हाथ में। अगले दिन 31 जनवरी की शाम सूर्यास्त के समय गांधी जी का पार्थिव शरीर चंदन की चिता पर रखा गया। चिता प्रज्वलित हुई और लपटें आकाश को छूने लगी। राजघाट पर बापू का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो चुका था, लेकिन इधर बिरला हाउस में उनका रक्त अभी सूखा नहीं था। उसकी पवित्र बूंदों के दर्शन के लिए लोगों की आवाजाही बनी रही। बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी एडवोकेट प्रेमदत्त तिवारी। दूसरे दिन हम लोग बिरला हाउस गए जहाँ पर गांधी जी को शहीद किया गया। वहाँ जब पहुँचे अपार भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया, लाइन लगा के हम लोग वहाँ पहुँच पाए थे। देखा क्या कि एक तरफ गांधी जी का खून पड़ा है, एक तरफ हे राम लिखा हुआ है, और उसके बगल में लोग मिट्टी जो है लेकर के अपने मत्थे में लगा रहे हैं। जो मिट्टी लगा रहे थे वो गड्ढा करीब 2 हाथ का नीचे तक पहुँच चुका था जब हम लोग पहुँचे थे, और हम लोगों ने भी मत्थे में लगाया। इसके बाद बापू की अस्थियां विसर्जन करने उन्हें प्रयागराज ले जाया गया। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। उन्होंने उन किसानों की सेवा की जिनके साथ चंपारण में भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने उन मिल मजदूरों की सेवा की जिन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। उन्होंने गरीब, बेसहारा, कमजोर और भूखे लोगों की सेवा को अपने जीवन का परम कर्तव्य माना। जिस किसी को जब भी जहां भी जरूरत पड़ी, महात्मा गांधी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहे। यकीनन गांधीवादी सिद्धांत मूल्यवान सबक देते हैं। बस मनुष्य को जहां जो अच्छा है उसे अपना लेना चाहिए और बुरे को छोड़ देना चाहिए। अपनी शहादत से हफ्ते भर पहले 23 जनवरी 1948 को अपने प्रवचन में यही समझा गए बापू।
मैं अहिंसा का पुजारी हूँ। मेरे पास तो एक बड़ा धर्म पड़ा है कि सब आदमी को गुणग्राही बनना चाहिए। वो मेरा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने हमको सिखाया। तो कहते हैं कि जो सच्चा आदमी है उसके लिए तो यही है कि जो मलाई है, मनुष्य के गुण है उसको मलाई की उपमा दी है, वो ले लेना, बाकी अवगुण है वो छोड़ देना। महात्मा गांधी की स्मृतियों, उनके दर्शन और राजघाट से प्राप्त ऊर्जा को आत्मसात कर हम आज भी गांधी से प्रेरणा ले रहे हैं। इसीलिए दिल्ली के पुराने बिरला हाउस यानी अब के गांधी स्मृति में गांधी जी के कमरे को ठीक उसी प्रकार रखा गया है जैसा ये उनकी हत्या के दिन था। यहां एकेडमिक एसोसिएट शैलजा कुल्लापल्ली कहती हैं, बिरला हाउस में जो उनके कुछ स्मृति शेष रह गए हैं उसमें से उनके कुछ है, छुरी है, कांटा आदि सब, ये सब चीजें हैं। एक छड़ी है, ओके, वॉकिंग स्टिक जो है, फिर एक दरांती है, घास वास काटने के लिए वो रखते थे। ये है चश्मा है उनके, और चश्मा का केस है, और उनके पॉकेट वॉच है ये, और इसको कहते कि प्यूमिक स्टोन। गांधी जी सोप या ये सब यूज नहीं करते थे, तो इससे अपना स्किन क्लीन करते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस वो एक राइटिंग डेस्क है, वहाँ पे वो किताब जो रखते थे। उसके अलावा यहाँ पे गद्दा ये सब रखा हुआ है, गांधी जी यहाँ बैठते थे, और वो पोर्टेबल स्पिनिंग व्हील है, वो चरखा रोज चलाते थे। नई दिल्ली के 30 जनवरी मार्ग स्थित कोठी नंबर 5 बिरला हाउस यानी गांधी स्मृति, वो पवित्र जगह है जहाँ महात्मा गांधी ने अपने नश्वर शरीर का 30 जनवरी 1948 को बलिदान दिया था। महात्मा गांधी इस घर में 9 नवंबर 1947 से लेकर 30 जनवरी 1948 तक रहे थे। गांधी स्मृति के मुख्य प्रवेश स्थल पर आगंतुकों का स्वागत करती महात्मा गांधी की एक आदम कद प्रतिमा, जिसमें खगोल से निकलते हुए एक किशोर और किशोरी अपने हाथ में शांति के प्रतीक एक कबूतर को थामकर उनकी बगल में दोनों तरफ खड़े हुए हैं, ये भव्य प्रतिमा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। यहाँ के निदेशक दीपांकर श्री ज्ञान, आदमकद प्रतिमा प्रसिद्ध मूर्तिकार पद्म विभूषण श्री राम सुतार जी की बनाई हुई है। यह मूर्ति विश्व शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। इस मूर्ति के नीचे मेरा जीवन ही मेरा संदेश अंकित है, जो महात्मा गांधी जी कहा करते थे। बिरला हाउस में जहां राष्ट्रपिता की हत्या हुई थी, वहां एक शहीद स्तंभ बनाया गया है। ये स्तंभ महात्मा गांधी की याद दिलाता है और उन सभी कष्टों और कुर्बानियों के मूर्त रूप का स्मरण कराता है जो भारत की स्वतंत्रता की लंबी लड़ाई की विशेषता रही है। यहां मौजूद वो प्रार्थना सभा स्थल अब भी हर रोज बापू की बैठकी के लिए खुद को संवार लेता है। हरी घास का मैदान प्रार्थना स्थल की मुख्य विशेषता है, जो सफेद फूलों की सजावट पूर्ण परिधि से चारों ओर से घिरा हुआ है। तनिक ध्यान देकर सुनिए तो ये पुष्प प्यारे बड़े रौब से आपस में कुछ बड़बड़ाते मालूम होते हैं, मानो बापू अभी अभी प्रार्थना से उठे हों और अपने प्रवचन से इनके मन में कोई जिज्ञासा पैदा कर गए हों, जिसे हल करने में ये सभी फूल मशगूल हैं। लेकिन वैष्णव जन के गीत ने इनकी बड़बड़ाहट को पाट दिया है। प्रार्थना सभा के केंद्र में एक मंडप है जिसकी दीवारों पर महात्मा गांधी के उद्भव और उनके व्यक्तित्व में सन्निहित मानव जीवन की सभी दैवीय चीजों का चित्रण करते भित्ति चित्र हैं।
मंडप के बाहर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक बेंच है, जिस पर महात्मा गांधी प्रार्थना के दौरान तथा कभी कभी सलाह हेतु पधारे विशाल जनसमूह से बातचीत के दौरान बैठा करते थे। जब कोई आगंतुक गांधी स्मृति में आता है तो वो अपनी यात्रा में यहाँ एक विश्व शांति घंटे का भी दर्शन करता है। इस स्थान पर राष्ट्रपिता के भौतिक अवशेष हजारों लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दिए जाने के लिए रखे गए थे। यहाँ के शांति को देखकर भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाले अंग्रेज भी चकित हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत की आंखों में प्रतिशोध की ज्वालाएं क्यों नहीं जल रही हैं। एक अंग्रेज दंपति फिलिप और कैथी गांधी के भारत की ऐसी उदारता पर अत्यधिक द्रवित हैं। फिलिप कहते हैं, It's very peaceful. A lot of emotional, I would say, for the English people to come here because of the English tied up with the history of it all. We saw the film with the Viceroy's house, and I think we learnt the truth about the partition from that film that a lot of English people didn't realise had happened. गांधी स्मृति में बापू के कमरे से लेकर प्रार्थना सभा तक उकेरे गए गांधी जी के पैरों के निशान को देखकर कैथी इतनी भावुक हुई कि उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा आईं और वो अंग्रेजों को जिम्मेदार मानते हुए रुंधे गले से कहती हैं, I'm from London as well. I must say when I came in here, seeing the footsteps here, it just brought me to tears because he was such an honest man to be treated like that. If the English had tried harder, and if Mountbatten had tried harder, then it wouldn't have been so much bloodshed. राजघाट के निकट गांधी स्मृति का दूसरा परिसर महात्मा गांधी के व्यापक दर्शन का प्रचार करने हेतु उनकी शहादत के 21 वर्षों बाद तैयार किया गया। इसे गांधी दर्शन नाम दिया गया। इसे गुलजार करने के लिए भारत के 13 राज्यों और 7 दूसरे देशों ने गांधी दर्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सृजन किया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य गांधी के संदेशों और आधुनिक विश्व की पृष्ठभूमि में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों की व्याख्या करना है। यहाँ पधारी नॉर्वे की जोड़ी इसे प्रमाणित करती है। I just arrived in India. This is my first time I'm here. And of course, I've heard of Mahatma Gandhi and read about Mahatma Gandhi. Of course, I have. Walk, right, to the sea, yeah, to get salt for everyone. That's right, isn't it? Yeah. And he was non-violent. Gandhi Darshan ke is prangar Rajghat mein प्रदर्शनियों के 2 मंडप हैं। यहाँ गांधी के सैकड़ों पुरालेखीय चित्र संक्षिप्त व्याख्याओं के साथ लगाए गए हैं। यहाँ उनके बालपन और तरुणाई के दुर्लभ चित्र मौजूद हैं। एक अनुकृति हिंदुस्तान के पश्चिमी किनारे सुदामापुरी यानी आज के पोरबंदर के उस घर की भी है जहाँ मोहनदास पैदा हुए। यहाँ हमें सबसे रोमांचित कर जाती है सेना की वो वास्तविक जीप जिसमें गांधी जी के पार्थिव शरीर को उनके अंत्येष्टि स्थल यानी राजघाट तक ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त आगंतुक यहाँ गांधी जी के स्कूल के दिनों का उन्हें मिला परीक्षा प्रमाण पत्र, अखबारों की कतरन और लियो टॉल्स्टॉय के साथ हुए महात्मा गांधी के पत्र व्यवहारों की वास्तविक प्रतियां भी देख सकते हैं। इतिहास में वर्णित महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के दौरान बापू ने अपने सहयोगियों के साथ एक नौका के सहारे कंकापुर स्थित माही नदी पार की थी। उपयोग में लाई गई ये नौका भी
गांधी दर्शन के मंडप की शोभा बढ़ा रही है। सन 1930 में दांडी कूच के दौरान गुजरात के वेजलपुर गांव पहुंचकर गांधी ने जिस बेंच पर बैठकर अपार जनसमूह को संबोधित किया था, वो बेंच भी यहीं रखी गई है। यहाँ गांधी दर्शन का सार समझना है तो शांति के वाद्य एस्कोपेतारा को जरूर देखना होगा। युद्ध में भी शांति का संदेश देता ये वाद्य यंत्र राइफल से बना एक खास तरह का गिटार है, जिसमें अब विस्फोट पैदा करने वाले कोई गोला बारूद न होकर सिम्फनी पैदा कर देने की क्षमता रखने वाले गिटार के बारीक तार सजा दिए गए हैं। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के निदेशक दीपांकर श्रीज्ञान बताते हैं, दरअसल 31 अक्टूबर 2011 को भारत स्थित कोलंबिया के दूतावास एवं संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स एवं अपराध विभाग के साथ मिलकर हमने एक कार्यक्रम किया था। उसी कार्यक्रम में कोलंबिया दूतावास की उपमंत्री मोनिका लेजेंटा और संगीतकार सीजर लोपेज ने शांति के इस वाद्य यंत्र को हमें उपहार स्वरूप दिया था। यह वाद्य यंत्र हिंसा से अहिंसा की ओर जाने का एक अनुपम उदाहरण है। बेशक आज भी महात्मा गांधी के संदेश पूरी दुनिया को शांति के लिए व्यवहारिक शिक्षा, अहिंसा और नैतिक जीवन जीने की राह दिखाते हैं, और ये सभी रास्ते समाधिस्थ बापू से मिलने राजघाट आते हैं। तो आइए अब आपको समाधि स्थल लिए चलते हैं। राजघाट यमुना नदी के तट पर स्थित पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद इलाके के एक घाट का नाम है। यहीं पर महात्मा गांधी का उनकी शहादत के बाद 31 जनवरी को दाह संस्कार किया गया था। इसके मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सुर्ख लाल साल्विया के फूल बीच रास्ते आपके पग पखारते हैं। मुख्य द्वार से पत्थर निर्मित फुटपाथ भीतर गांधी के समाधि स्मारक तक जाता है, लेकिन उससे पहले पत्थर की एक गैलरी से होकर आपको गुजरना पड़ता है। गैलरी पार करते ही आप स्मारक के मुख्य प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं तो बाईं ओर से 18 दिसंबर 1954 को युगोस्लाविया के तत्कालीन राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रॉस टीटो के करकमलों से रोपे गए अशोक के वृक्ष की छाया आपको दुलारने लगती है। सामने बीचोबीच राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी समाधि स्मारक का निर्माण किया गया है। ये स्मारक खुले आसमान के नीचे काले संगमरमर का एक मंच स्थल है। एक ओर मध्य में अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है, दूसरी ओर गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम लिखे गए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में गांधी भवन के मानद निदेशक प्रोफेसर रमेश भारद्वाज, गांधी जी की समाधि पर जब हम जाते हैं उस समय हम उस विचार को याद करने के लिए, उस विचार को किस तरह से हम समझ सकें और समझ के उसका कार्यान्वयन मानव जाति के कल्याण के लिए कर सकें, यही सब विचार गांधी समाधि से हमको प्राप्त होता है। समाधि चित्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पग पर मौलश्री की छाया है, जिसे 24 जनवरी 1977 को पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के प्रथम सचिव एडवर्ड ग्यारक ने रोपा था। गांधी जी के सिरहाने भी मौलश्री की ही छाया है, जो 3 फरवरी 1971 को संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्कालीन महासचिव कुर्ट वाल्डहेम के रोपण की बदौलत है। बापू के समाधि परिसर में 5 फरवरी 1958 को वियतनाम गणतंत्र के तत्कालीन राष्ट्रपति हो ची मिन के हाथों लगाया गया सफेद चंपा का विशाल पेड़ है। बापू को हर रोज इसी सफेद चंपा के फूलों की चादर उड़ाई जाती है। ये सौभाग्य का काम नसीब है नौजवान राजू को। राजू हर रोज बापू की सेवा में खुद को आनंदित पाते हैं। सफेद चंपा के अलावा वो गुलाब और गेंदा के फूलों को चुनकर लाते हैं, और इससे पहले कि सूरज अपनी अरुणिमा से प्रस्तवित हो वे बापू का श्रृंगार सूरज की लालिमा में ही कर जाते हैं।
समाधि परिसर में प्रत्येक शुक्रवार हमें कताई का काम देखने को भी मिलता है। मेरा नाम मुसद्दीलाल गुप्ता है, मैं यहाँ पे सफदरजंग एनक्लेव में रहता हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, मैं 2003 में रिटायर हुआ, तो अभी क्या है कि मैं अपना अधिकतर समय कताई में ही बिताता हूँ, क्योंकि गांधी जी को कताई बहुत प्रिय थी। जो यहाँ तक कहते थे कि गांधी जयंती को भूल जाओ और चरखा जयंती को याद रखो, इतना महत्व चरखे को वो देते थे। जाहिर है कि चरखे से हमारी बहुत सी समस्याएं, पर्यावरण वगैरह की बातें सब हल होती हैं। इसलिए मैं हर शुक्रवार को यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि गांधी जी को इसी दिन गोली लगी थी, तो उनसे मिलने की इच्छा होती है तो आता हूँ। गांधी जी से मिलने यहाँ अकेले मुसद्दी लाल नहीं आते, जिन्होंने अपने लौकिक या अलौकिक दृष्टि से गांधी को देखा है, वो सब यहाँ गांधी से मिलने आते रहते हैं। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज के शब्दों में, मुझे याद है एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेविका, गांधीवादी, गांधी जी की शिष्या थी, बीबी अम्तुसलाम, जिन्होंने बहुत योगदान दिया देश की आजादी में और देश के नव निर्माण में। तो वो जब भी संकट में होती थी, दुविधा में होती थी, मानसिक उद्वेग में होती थी, तो वो रात को जाती थी और कहती थी, अपने रहनुमा के समाधि पर बैठ कर उस देर उसके कदमों में ध्यान करूंगी तो मुझे दृष्टि मिल जाएगी। राह नुमा हैं बापू जिनके, उसने गांधी को देखा, जिसने पाई दृष्टि अनोखी, उसने गांधी को देखा। वाह वाह रे लाल मुसद्दी, तुमने गांधी को देखा, सुनो जमाना गौर करो जी, हमने गांधी को देखा, हमने गांधी को देखा, हमने गांधी को देखा। हमने गांधी को देखा। बापू के दर्शन, उनकी स्मृतियों और समाधि के कुछ पहलुओं पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। आलेख अमित राजपूत, वाचन स्वर राजश्री त्रिवेदी और जैनेन्द्र सिंह, प्रतिभागी स्वर मनोज माइंडकर और नौमान शौक, प्रस्तुति सहायक धीरज कुमार सोनी और नितिन कुमार, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, विशेष आभार दीपांकर श्री ज्ञान, प्रस्तुतकर्ता डॉ संजय सिंह वर्मा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल आईडी chfu76@gmail.com पर दे सकते हैं। ईमेल आईडी एक बार फिर chfu76@gmail.com।